नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। कवर्धा जिले के लोहारडीह गांव में हुई घटना को लेकर बंद का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर दी है, साथ ही घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। कांग्रेस के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। बता दें कि लोहारडीह में मॉब लिंचिंग का आरोपी जेल में बंद था, बंदी की जेल में ही मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की, कवर्धा की, धमतरी की, मुंगेली की, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, कोंडागांव और दंतेवाड़ा। कहीं आप देखेंगे कि असर नहीं नजर आ रहा, तो कहीं आप असर देखेंगे भी, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो बाजारों में जा रहे हैं, व्यापारियों से समर्थन देने की बात कह रहे हैं। दीपक बैज को देखिए, इसके पहले सुबह सुबह एजाज ढेबर, जो कि आप देख सकते हैं, वो भी पहुंच गए थे मंडियों में, सब्जी मंडी में, और ये आह्वान कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि बंद का समर्थन दे, वो बंद को अपना पूरा भरपूर समर्थन दे। तो कहीं पर इसका असर दिखाई दिया है, तो कहीं पर इसका असर कम नजर आ रहा है। तो कांग्रेस का आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान है इसी मामले को लेकर, और लगातार जो है विरोध किया जा रहा है, बावजूद एक्शन सरकार की तरफ से इस मामले में लिया जा चुका है। तो कवर्धा कांड के विरोध में आप देखिए किस तरीके से जो बंद का आह्वान है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया है, और बंद के आह्वान के बाद की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कुछ दुकानें तो बंद हैं, तो कहीं पर कोई असर बंद का नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के बंद पर दीपक बैज का बयान आया, प्रदेश में कांग्रेस के बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बंद को समर्थन मिला है, लोहारडीह के साहू परिवार के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, सस्पेंड करने और हटाने से हम संतुष्ट नहीं है, उनका कहना है, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तक राजनांदगांव मोहल्ला मानपुर से रायगढ़ तक पूरी तरह व्यापक बंद का असर हुआ है। ये लड़ाई कवर्धा के उन लोहारडीह के उस साहू परिवार के लिए है जो तीन लोगों की मौत हुई, और जहां तक कि पुलिस के पिटाई से प्रशांत साहू की मौत, इतना पहरे में बेदर्दी, मानवीयता से हद पार कर उन्होंने पिटाई की जिसकी मौत। कवर्धा में कांग्रेस के बंद के दौरान व्यापारियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस भी हुई है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता व्यापारियों की दुकानें जबरन बंद कराने पहुंचे थे, और इस दौरान व्यापारियों ने दुकानों को बंद करने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और व्यापारियों के बीच तीखी बहस हुई है। इससे पहले कि विवाद बढ़ता, मौके पर पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करा दिया है। आग्रह किए बंद कर दो, मैं बोला मैं बंद नहीं करूंगा। क्यों बंद नहीं किया? हर चीज के लिए व्यापारी बस फंसे, हर बार व्यापारी बंद करे। व्यापार हम साल में 15 बार बंद करवाते हैं, बस हमारा कोई खर्चा नहीं है, हमारा भी तो खर्चा है ना, हम दुकान खोले ना खोले हमको रोज का 20,000 रुपए का खर्चा। वो व्यापारी तो नहीं देगा, जो बंद करा रहा है वो तो नहीं देगा ना, बस इसलिए मैंने बंद नहीं करने का निर्णय। आप अगर आपको बंद कराना है रोड ब्लॉक कर दो ना, चारों से रोड ब्लॉक कर दो, कलेक्टिव आप घेराव करो कहीं का भी, या भूख हड़ताल करो, हर बार व्यापारियों को ही बंद का समर्थन थोड़ी। कवर्धा में कांग्रेस ने प्रदेश में बंद बुलाया है, और कवर्धा में जो व्यापारी संगठनों ने इसका समर्थन नहीं किया, हालांकि कुछ दुकानें आज खुली रही, कुछ दुकानें बंद रही, कुछ कांग्रेसी जो है वो जरूर उनको बंद कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके द्वारा बंद ना करने की बात हुई, हालांकि कुछ वाद विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो सुबह से कांग्रेसी बंद कराने के लिए जरूर निकले हुए थे, लेकिन बंद का फिलहाल कवर्धा जिले में जो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अधिकांश व्यापारी जो अपनी दुकानें खोलने पे अड़े हुए हैं, और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी साफ तौर पर कहा है कि उनको बंद का समर्थन नहीं है, तो कुछ जगहों पर वाद विवाद जैसी देखी, लेकिन फिलहाल अभी तक जो बंद है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है।
तो राजधानी रायपुर में कांग्रेस के बंद बेअसर साबित हो रहा है। राजधानी का सबसे बड़ा सब्जी बाजार खुला है और इसके अलावा सुबह से ही शहर की सभी दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के बंद को सफल बनाने के लिए रायपुर के महापौर एजाज जेबर शास्त्री मार्केट पहुंचे और व्यापारियों से बंद का समर्थन करने का आह्वान किया है। तो ये आप रायपुर में कांग्रेस के बंद को देख रहे हैं जो कि बेअसर साबित हो रहा है। राजधानी का ये सबसे बड़ा सब्जी मंडी है जो कि खुला हुआ है, ये सब्जी बाजार खुला है। तो देख सकते हैं आप तस्वीर दीपक बैच की जो कि बंद का आह्वान कर रहे हैं और समर्थन भी मांग रहे हैं सबसे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बंद पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। लोहारडी मामले पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जांच आयोग भी बैठा दिया गया है। तो देखिए असर जो है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है बंद का जो कांग्रेस की तरफ से बुलाया गया है। तो दूसरी तरफ विजय शर्मा जो कि डिप्यूटी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उनका ये कहना है कि सिर्फ राजनीति है। मेरे साथ उमेश मौर्य जुड़ गए हैं बिलासपुर से, ममता लांजेवार हैं रायपुर से, मनीष मिश्रा हैं कवर्धा से और मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से जुड़ गए हैं। सबसे पहले ममता, रायपुर में राजधानी में कितना असर नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो मिला जुला असर दिखाई दिया है। कई बड़े मार्केट जो हैं वो खुले रहे लेकिन कई जगह पर शटर नहीं खुली हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस का जो बंद है वो सफल रहा है। हालांकि अगर उस तरह से बात की जाए कि जिस तरह से बंद का अगर जो सफल बंद होता है उसका असर अलग तरह से दिखाई देता है, सड़कों में सन्नाटा छा जाता है और हर तरह से दुकानें जो है वो बंद नज़र आती, तो उस तरह से नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज खुद निकले थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर निकले हुए थे। डूमर तराई का जो थोक सब्जी मार्केट था वो सुबह से खुला हुआ था। शास्त्री बाजार जो है वहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो आबाद है। ये जरूर है कि लोगों की भीड़ कम है क्योंकि कहीं ना कहीं बंद का जब मैसेज जाता है तो लोग कम निकलना पसंद करते हैं। दफ्तर खुले हैं और अगर हम बात करें तो 10-11 बजे के बाद में सारी दुकानें उसी तरह से चल रही हैं जैसे अमूमन शहर में चलती हैं। दीपक बैज निकले थे और जयस्तंभ चौक में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो गृहमंत्री विजय शर्मा का पुतला भी फूका और उसके बाद में सारे लोग लौट भी गए हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो बंद उस तरह से शहर के भीतर नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे भी अगर हम बात करें तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पे 11 बजे के बाद जो है वो शटर खुलते हैं, तो ऑब्वियस है कि उनके लिए उस तरह से कोई असर दिखाई नहीं दिया जाए। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि राजधानी में इसका असर जो है बहुत खास नजर नहीं आ रहा, लेकिन कवर्धा की भी ओर रुख करेंगे। मनीष जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मनीष, कवर्धा में कितना असर नजर आ रहा है बंद का? बिल्कुल अंशिका, जिस तरह से कवर्धा में ही घटना जो हुई थी उसे लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने बंद बुलाया था जिसका कवर्धा में अगर बात करें तो इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह सुबह जो कच्चा सामान के व्यापार जो करते हैं, खासकर जो होटल व्यवसायी हैं, उनके द्वारा अपनी दुकानें जो है वो बंद रखी गई थी, लेकिन जो जैसे समय समय बढ़ता गया और 9-10 बजे के बाद से जो मेन मार्केट है वो खुलना शुरू होता है, इस दौरान जो व्यापारी है वो खुलना शुरू किए थे। उनको बंद कराने के लिए कांग्रेसी जरूर पहुंचे पर कांग्रेसियों और उनके बीच में काफी बहस हुई है। पुलिस ने भी बीच बचाव करते हुए कहा कि जो व्यापारी अगर दुकान बंद नहीं करना चाहते तो उन्हें आप जबरदस्ती बंद मत कराइए, जो बंद करना चाहते हैं जो आपके समर्थन में बिल्कुल आप उसे करिए। तो कुछ देर बहस के बाद जो है पुलिस ने मामला शांत करा लिया और कुछ व्यापारी जो है दुकान खुलने के लिए अड़े हुए थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिला जुला असर जो है इस बंद का देखने को मिला है। हालांकि कांग्रेसी जो है दिन भर शहर में बंद कराने के लिए घूमते रहे, व्यापारियों का समर्थन मांगते रहे क्योंकि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं दिया था, तो बड़े व्यापारी जो है वो भी दुकानें खोलने से उन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन फिर भी कुछ देर सहयोग के लिए दुकानें बंद रखी गई। इस तरह से कह सकते हैं कि मिला जुला असर जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर कवर्धा में भी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, लेकिन बिलासपुर में उमेश क्या हाल? देखिए, बिलासपुर की बात करें तो सुबह से ही जो कांग्रेसी हैं वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर जो दुकानदार हैं उनसे समर्थन मांग रहे थे कि वो उनके
आंदोलन में साथ दे। हालांकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सीधे तौर पर इन्हें समर्थन देने से जो मना कर दिया था, उसका असर जो है वह यहाँ पर भी दिखाई दिया। जो बड़े संस्थान हैं, जो बड़े दुकानदार हैं और जो बड़े बाजार है, सदर बाजार, गोल बाजार, यहाँ पर मिला जुला बंद का असर देखने को मिला। इसके साथ ही यहाँ पर सबसे बड़े थोक मार्केट है व्यापार विहार, वहाँ पर भी अगर हम कहें तो जो व्यापारी है वो पूरी तरीके से अपने जो रोज की तरह अगर 9-10 बजे जो दुकान पहुंचते हैं उसी समय पर पहुंचकर अपनी दुकान को खोलकर उन्होंने भी दुकान खोला। इसका साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बंद का जो आह्वान किया गया था कांग्रेस के द्वारा वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ है। हालांकि पूरे जगह में सुबह शुरुआती दौर पर जरूर सुबह 6 से 8, 9, 10 बजे के बीच जरूर ये माहौल बनाया जा रहा था कि वहां पर बंद है, लेकिन 10 बजे के बाद से जो दुकानदार है वो स्वयं आकर दुकान खोलते हुए नजर आए, तो कहा जा सकता है कि मिला जुला असर है। बहुत ज्यादा इसका असर देखने को नहीं मिला है, बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा है। मिथिलेश, दुर्ग का क्या हाल है? दुर्ग में क्या बंद का असर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी वैसे ही नज़र आ रहा है जैसा कि बाकी शहरों में नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी मिला जुला ही जो है वो बंद का असर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेसियों ने ये ज़रूर आह्वान किया था लोगों से कि वे इसमें समर्थन दें, लेकिन उसका कोई खास असर जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अधिकांश दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ दुकानें ज़रूर बंद थीं लेकिन उसके बाद में जो दुकानें जो है खुली हुई हैं, तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मिला जुला असर जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। विजय शर्मा अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने इस बंद पर अपनी एक प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इसमें पूरे मामले में नकारात्मक राजनीति कर रही है और छत्तीसगढ़ बंद को उन्होंने गलत करार दिया था। और उन्होंने कहा यह भी कि जो कवर्धा में जो घटना हुई थी उसमें पूरे मामले में जो सरकार है वो काफी गंभीर है और गंभीरतापूर्वक इस पूरे मामले में जांच कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है, और इस कार्रवाई के दौरान में कांग्रेस जो है वो सवाल खड़ा। बिल्कुल, और विजय शर्मा ने कहा कि एक जो टीम है जांच के लिए उसको बैठा दी गई है और वो बाकी आगे की जो है जांच करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली पहुंचे बस्तर में नक्सल हिंसा से पीड़ित आदिवासियों का दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन पहुंचा है और इस दौरान नक्सल पीड़ितों ने राष्ट्रपति से बातचीत की और राष्ट्रपति को अपनी पीड़ा भी बताई है। इससे पहले नक्सल पीड़ितों के दल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री को अपने साथ हुई बर्बरता के बारे में भी बताया था। गौरतलब है कि नक्सली हिंसा से पीड़ित बस्तर के ये वो लोग हैं जिन्होंने IED ब्लास्ट में अपने हाथ पैर समेत शरीर के अन्य अंग खो दिए हैं। नक्सल दहशत की वजह से किसी ने अपना घर और गांव छोड़ दिया तो किसी के परिवार के सदस्य को नक्सलियों ने उनकी आंखों के सामने ही मार डाला। इस दल में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर समेत अन्य जगहों के पीड़ित आदिवासी शामिल हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, अपने साथ हुई बर्बरता को लेकर बातचीत उन्होंने राष्ट्रपति से की है। सख्ती के 15 साल के एक नाबालिग का मेरठ में अपहरण का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने भाई के साथ उत्कल एक्सप्रेस से हरिद्वार जा रहा था। भाई के साथ काम करने हरिद्वार जा रहे नाबालिग को 4 से 5 लोगों ने मेरठ रेलवे स्टेशन पर जबरन उतार दिया, जिसके बाद नाबालिग के बड़े भाई ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मदद की गुहार लगाई है। युवक हसौद थाना क्षेत्र के डोमाडी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। कैलाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और निखिल भी मेरठ से जुड़ गए हैं। निखिल, मेरठ में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए भाई, ये उत्कल एक्सप्रेस का मामला है जहां पर मेरठ में इसको बताया जा रहा है कि अपहरण हो गया, जैसा कि इसके भाई जैसी ने आरोप लगाया कि 4 से 5 लोगों ने इसको ट्रेन से उतार लिया और उसे ले गए। तो इस पूरी घटना को लेकर GRP भी सकते में कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और इसकी अब छानबीन की जा रही है। मेरठ के GRP थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ इसको दर्ज किया गया। वहीं इसके फोटो सर्कुलेट कर दिए गए हैं ताकि कहीं कोई स्टेशन पे अगर इसको उतारा गया है तो फिर उसकी सूचना वहां मिल सके और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि ऐसा कोई सुराग हाथ लग सके कि इसको उतारा गया है। अभी पुलिस के मन में कई ऐसे सवाल है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसका गुलशन का अपहरण किया गया, किन लोगों ने अपहरण किया और अपहरण करने का मोटिव क्या था। तो इन तमाम तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है और ये भी देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं गुलशन खुद ही उतर गया हो या फिर कोई और वजह रही हो जिससे अपने परिवार से गुमशुदा हो गया है। तो
तो इन तमाम सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं और पुलिस अपनी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इसमें दो टीमें लगाई हैं जो ये जांच कर रही है कि आखिर गुलशन है कहाँ। जी बहुत शुक्रिया निखिल जानकारी साझा करने के लिए। कैलाश भी मेरे साथ जुड़े हैं। कैलाश, परिवार वालों का क्या कहना है, किसी पर कोई शक? ये परिवार वाले के साथ तो इस तरह की किसी तरह के शक नहीं जाहिर किया गया है और भाई जो है उसका वापस आ रहा है। और शक्ति एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि उन्होंने भी जो उसका स्थानीय निवास है हसौ थाना क्षेत्र, वहां से भी एक टीम गठन कर लिया गया है। वो जो मेरठ के लिए आज शाम तक रवानगी हो जाएगी, उनके परिवारजन और उनके भाई को लेकर उसके बाद पतासाजी करने का प्रयास किया जाएगा। स्थानीय पुलिस मेरठ के द्वारा आपसी समन्वय बनाने की पूरी प्रयास की जा रही है। अंकिता शर्मा एसपी ने जिस तरीके से बताया, तत्परता से दिखाया, चूंकि 15 तारीख की यह घटना थी और रेलवे पुलिस ने इधर उधर घुमाते हुए 8 तारीख को रिपोर्ट दर्ज किया है। और आखिरकार 4 दिन पहले की जो सीसीटीवी क्यों खंगाला नहीं जा रहा है कि उनके साथ, क्योंकि स्टेशन से ही उसको लेके गए होंगे गुंडे बदमाश, स्टेशन से जस्ट पहले की ये घटना थी और स्टेशन से उतारा गया होगा, 4-5 के बीच में था और भीड़ के कारण जो है उनके भाई उनको बचाने में अक्षम रहा, क्योंकि वो सामग्री भी रखे हुए थे तो अपने सामान और भाई को किस तरह से बचाने का प्रयास किया ये उनकी बिल्कुल। और अभी जांच है, जारी है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया कैलाश जानकारी साझा करने के लिए। दंतेवाड़ा के पोंदुम से गायब नवजात बच्चा मिल गया है। पोंदुम से गायब हुआ नवजात नगरी में सड़क के किनारे मिला था। बच्चे के माता पिता ने उसकी पहचान कर ली है, जिसके बाद दंतेवाड़ा पुलिस नवजात को लेने के लिए नगरी रवाना हो गई है। इस बात की पुष्टि दंतेवाड़ा के SP गौरव राय ने की है। 4 बजे के आसपास मैं एक अपहरण का मामला आया था, जिसमें 6 महीने का बच्चा था, बालक था, जिसको कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था। इसमें जो बच्चा है 6 महीने का, वो धमतरी में बरामद हुआ। परिवार वालों को उनका फ़ोटो दिखाए, वो लोग कंफर्म किए हैं कि ये उन्हीं का बच्चा है। टीम परिवार के साथ में दंतेवाड़ा से रवाना हो गई है बच्चे को वापस लाने में। बच्चे की हालत। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। DEO ने 2 शिक्षकों को निलंबित किया। सहकर्मियों से दुर्व्यवहार पर यह कार्रवाई की गई है। सफाई कर्मचारी के साथ उसने मारपीट भी की। ममता सोनी और पोलेश्वर यादव सस्पेंड हो गए हैं। LB प्राथमिक शाला बिजौर का मामला है। और अब बात करेंगे कोरबा के स्पेशल 7 का। जी हां, कोरबा के सिटी सेंटर मॉल में डकैती का मामला आया है सामने। नकली साइबर सेल, क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स का अधिकारी बताकर आरोपी लाखों रुपए और सामान उठा ले गए थे। शहर के पावर हाउस रोड पर संचालित सिटी सेंटर मॉल में एक कंपनी के दफ्तर में घुसकर 7 लोगों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ऑफिस में रखे 3 से 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। 2 कार से आए आरोपियों ने 5 से 7 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।